बातचीत करने से क्लास का वाइब्रेशन बिगड़ता है, ना अच्छे प्रश्न निकलेंगे और ना उनके अच्छे उत्तर निकलेंगे। थोड़ी देर याद में बैठना चाहिए। हाँ जी, जोर से बोलिए। धर्मराज, धर्माओं का राजा धर्मराज बनेगा। हाँ जी, जो अपने आप को भगवान का साकार साकार रूप मानता हो, गीता का भगवान मानता हो, तो वो धर्माओं का राजा कैसे बनेगा? प्रैक्टिकल में नहीं देखा क्या? प्रैक्टिकल में है तो वो मानना पड़ेगा ना, लेकिन धारणाओं से ही कोई भगवान नहीं बन जाता। अगर धारणाएं ही दुनिया में देखी जाएं, तो आज के बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुकाबले जास्ती धारणा करने वाले देखे जाते हैं। तो वो भगवान हो जाते हैं क्या? धारणाएं देवताओं में होती हैं या भगवान में होती हैं? देवताओं के गुणधर्म अलग और भगवान के गुणधर्म अलग। देवताओं के गुणधर्म अगर भगवान धारण करने लगे तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता। इसलिए नारायण के गुण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये टाइटल भगवान को नहीं दिए जा सकते। हाँ, मनुष्य सृष्टि की शुरुआत देवताओं से होती है और देवताओं में पहला पत्ता कृष्ण की आत्मा है। सिर्फ पहले जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर उसका ऐसा पार्ट है। कैसा पार्ट? दिव्य गुणों की धारणा में सबसे आगे जाने वाला। वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, तो कोई ऐसी आत्मा भी है जो अनेक जन्मों तक सबसे जास्ती दिव्य गुण धारण करके रहती है और अंतिम जन्म में भी दिव्य गुणों का भंडार देखने में आती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है। ये बड़ी भारी भूल हो जाती है कि दिव्य गुणों के आधार पर किसी को भगवान साबित कर दिया जाए या भगवान समझ करके बैठ जाया जाए। और पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना एक बाप के सिवाय कोई नहीं कर सकता। अवित्वानी में बाप दादा ने कहा, अभी रावण तुम्हारे लिए 20 लाखों की दौर से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन कर रहा है, कर लेगा या नहीं कर लेगा ये नहीं कहा। 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए जो कुछ भी संसार में प्रगति हो रही है साइंस की, वो
वो साइंस के सारे साधन किसके लिए बन रहे हैं? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बन रहे हैं। तो ये बनाने वाला कौन है? हैं? हम बना रहे हैं क्या? हैं? तो रावण तैयारी करता है सारी, और ऐन मौके पर हमारे काम आ जाता है। ये नंबरवार बच्चों की बात बताई क्या? तुम्हारे लिए का मतलब ये नहीं है कि प्रजावर्ग की आत्माओं के लिए, तुम्हारे लिए माना जो नंबरवार उच्च पद पाने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो रावण राजधानी तैयार कर रहा है। और हम तो जन्म जन्मांतर के राजाएं रहे, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं रहे हैं, राजाई संस्कार वाले रहे हैं, वो इतना साज सामान इकट्ठा कर पाएंगे क्या? वो नहीं कर सकते। और आप अपनी बात अपनी भाषा में किसी नजदीक वाले को बता दीजिए, समझ में नहीं आया। के आदमी है प्रजापिता मुकर्र है ना बाबा, बाद में बीच में ब्रह्मा बाबा टेम्पररी कैसा बताया वो भी मुकर्र है ना ऐसा बोल रहे हैं। मुकर्रर उसे कहा जाता है जो आदि से अंत तक मौजूद रहे। अभी भी है ना प्रजापिता में, अभी भी रथ है उसका। अरे मुकर्रर रथ की बात है, वो रथ उनका है। बीच में टेम्पररी रथ बोल के बोला था। टेम्पररी का मतलब ना आदि में था ना अंत में रहेगा, बीच में थोड़े समय के लिए निमित्त बन गया। जैसे जो भी धर्म पिताएं हैं वो अंत तक रहते हैं क्या? नहीं रहते। आदि में थे क्या? नहीं थे। ऐसे ही ब्रह्मा का जो रथ है वो मुकर्रर नहीं कहा जा सकता। मुकर्रर माना आदि से अंत तक। और आपने जिन बच्चों को प्रत्यक्ष करना था कर दिया। मतलब 108 की माला प्रत्यक्ष हो गई। मुरली में पॉइंट आया था है? मुरली में पॉइंट आया था। पूजा अपने परिचय पद का उद्घाटन कब कर रहे हो? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? हाँ, तो चीफ जस्टिस बुला लिया क्या? अभी चीफ जस्टिस का रूप तो सामने नहीं आया। जब चीफ जस्टिस का रूप सामने आवेगा तब समझेंगे। अभी तो अलबेले होकर के चल रहे हैं। कितना भी अव्यक्तवाणी सुने, कितना भी मुरलियां सुने, कितने भी क्लेरिफिकेशन सुने, अलबेले के अलबेले। बाबा ये 3 मूर्ति की बात है या आश्रयों की बात है या 108 की बात है? आपने प्रत्यक्ष किया मतलब? प्रत्यक्ष किया का मतलब
जो भी एडवांस पार्टी में निकलते हैं उनके पीछे बेसिक वाले ढोल मजीरे बजाना शुरू कर देते और उनको देश निकाला मिल जाता है। तो पांडव प्रत्यक्ष हो जाते हैं ना। पांडव कौन कहे जाते हैं? जिनको देश निकाला मिलता है वो पांडव कहे जाते हैं। और पांडवों की संख्या तो मुट्ठी भर होती है। तो प्रत्यक्ष हुए ना। किसने प्रत्यक्ष किया है? उन्हीं बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों ने ही प्रत्यक्ष कर दिया। ये विशेष आत्माएं हैं, इनसे ज्ञान का लेन देन नहीं करना। बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, इनसे ज्ञान में हम नहीं जीत पाएंगे। तो प्रत्यक्ष नहीं हो गए। नंबर बार प्रत्यक्षता हो रही है। बाकी माला के नंबर प्रत्यक्ष हो गए ये नहीं कहा जा सकता। और बाबा सदगुरु इंद्र छोड़ न पाए हैं जी, बीज रूप आत्मा के लिए नाम को कैसा होता है? पहले जो परिवार का बाप है या परिवारों के बाप हैं वो जिम्मेवार है या बच्चे जिम्मेवार हैं? ढेर के ढेर परिवार हैं, उन परिवारों में निमित्त ढेर के ढेर बाप हैं। निमित्त कौन है? पहले परिवार के अन्य सदस्य निमित्त है या पहले परिवार का मुखिया बाप निमित्त है? हैं? मुखिया बाप निमित्त है। मुखिया जो बाप है नंबर वार वो निमित्त है। तो अगर कोई परिवार के बाप ही सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बने तो गलत बात है क्या? ये अच्छी बात है, है? गलत बात हुआ ना। बाप को तो सदगुरु को पहले पहचानना चाहिए क्योंकि परिवार का मुखिया है। सदगुरु निंदक ठौर न पावे तो कौन है वो निंदा करने वाले? जो बाप की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो ही। तो मुरली में बताया कि पहले पहचानते हैं संसार में शोरगुल करते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है और बाद में निंदा करते हैं। ज्ञान न होने के कारण तामसी बन जाते हैं। ज्ञान तामस को धोता रहता है, इसलिए बोला रोज रेगुलर क्लास करना है, पंक्चुअल होकर के क्लास करना है। जब से ज्ञान में चले, चाहे बेसिक चाहे एडवांस, तब से लेकर अब तक कितना रेगुलर और कितना पंक्चुअल रहे हैं? ऐसे ज्ञान में चलने वाले बहुत कम निकलेंगे जो निंदा कराने के निमित्त बने हो।
और ये बात हल हो गई? नहीं, इसमें कनेक्शन का प्रश्न है। एक बार और रिपीट करो उसी प्रश्न को। सूर्यवंशी जो है ना, उनको जोड़ के बाकी लोगों को टोर नहीं मिलेगा ना। सूर्यवंशी हो और चाहे इस्लाम वंशी हो या कोई भी वंशी हो, क्या हर धर्म के जो भी हैं, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, अच्छा आठ को ले लो, जो सबसे श्रेष्ठ है, सारी दुनिया के पूर्वज हैं, उनमें दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके नहीं चढ़े हुए हैं क्या? हैं? उनमें भी दूसरे धर्मों के छिलके चढ़े हुए इस लास्ट जन्म में। तो सूर्यवंशियों को छोड़ने की बात ही नहीं। सूर्यवंशियों में भी ऐसे निकलेंगे आठ के अलावा जो धर्मराज की सजाएं खावेंगे। और बाबा, जो छिलका उतारने के बाद टोन मिल जाएगा ना? हैं? छिलका उतारने के बाद हैं? टोन मिल जाएगा ना? किसको? कोई भी बात हो, कोई बीज बात ना हो। छिलका उतरना अलग बात और निंदा कराना अलग बात। कोई जरूरी नहीं है कि जिन पर देवान का छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे धर्म का, वो कोई निंदा ही कराते हैं। सिख धर्म की आत्माएं सदगुरु की निंदा कराने की ज्यादा निमित्त बनती हैं या और धर्मों की आत्माएं ज्यादा निमित्त बनती हैं? और धर्मों की ज्यादा निमित्त बन पड़ती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, निंदा कराने वाले जो हैं, वो जल्दी ठौर नहीं पावेंगे। हो सकता है 2036 में जाके ठौर पावे। ठौर पाना मतलब 4.5 लाख सूर्यवंशियों की लिस्ट में तो आ गए। तो जब तक ठौर नहीं पाया तब तक दूसरे धर्म का छिलका था ना। और समय जड़ है और आत्मा चैतन्य है ना। हम कैसे इस समय को रचना? समय को पलटने वाला निमित्त कौन बनता है? आत्मा निमित्त बनती है या समय अपने आप पलट जाता है? आत्मा निमित्त बनती है। तो आत्मा पावरफुल हुई या समय पावरफुल हुआ? आत्मा पावरफुल हुई। इसलिए आत्मा चैतन्य है, चैतन्य आत्मा निमित्त बनती है साकार में समय को परिवर्तन करने के लिए। समय जड़ है, स्वतः परिवर्तन नहीं होता। समय को परिवर्तन करने वाले चैतन्य आत्मा चाहिए। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? प्रकृति मनुष्य के मुकाबले मनुष्यों के मुकाबले प्रकृति जड़ है। जो जड़ प्रकृति है और माया है, जड़ प्रकृति भी बाप की रचना है और माया भी बाप की रचना है। दोनों ही रचना है।
लेकिन जड़ प्रकृति परिवर्तन करती है या माया परिवर्तन करती है? माया परिवर्तन कर देती है। द्वापर युग में माया परिवर्तन कर देती है द्वैतवाद फैला के, और कलयुग के अंत में इसे कलयुगी सृष्टि को नष्ट करके सतयुगी सृष्टि को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कौन बनता है? है? अभी बोला अगर विनाश न हो तो सतयुग प्रत्यक्ष हो जाएगा, हो जाएगा क्या? स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? विनाश जरूर चाहिए, तो विनाश करने के लिए जगदम्बा के रूप में प्रकृति के पांच तत्व निमित्त बने हुए हैं। जो विनाश कराए देते हैं, प्रकृति भी बहुत पावरफुल है। समय उसको काल कहा जाता है। काल का पंजा किसी को छोड़ता है क्या? है? किसी को नहीं छोड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ता है। उसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। पांच तत्व तो पावरफुल हैं, लेकिन पांच तत्वों में काल बहुत पावरफुल है। उसको परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन शक्ति चाहिए। कौन है परिवर्तन शक्ति? वो चैतन्य है या जड़त्वमयी है? चैतन्य चित्तमयी शक्ति है। चैतन्य में पवित्रता है तो परिवर्तन शक्ति है। पवित्रता की पावर नहीं है तो महाकाल को भी परिवर्तन नहीं कर सकती। और कुंडली में कहा है माया मेरी बेटी है, मैं देखता हूँ जब तक वो बच्चा एक मत पर ना चले तब तक उसको तंग करो। अटकाती रहो। एक कुंडली में कहा जबकि जब बाप की प्रत्यक्षता होगी सबसे पहले माया मन बुद्धि से सरेंडर होगी। पर अभी तो माया सुन रही है ना बाप की बात, उसको तंग कर रही है ना बच्चे को अपने चलने के लिए। तो फिर माया मन बुद्धि से सरेंडर होगी? ऐसा मन बुद्धि से सरेंडर होगी? सरेंडर तो तब होगी जब कोई बच्चा जो निमित्त बना हुआ है वो श्रीमत की बरखिलाफी छोड़ेगा। वो कौन सा बच्चा है? हैं? कैसे बच्चा? तो उसने श्रीमत की बरखिलाफी छोड़ दी क्या? हैं? नहीं छोड़ी ना। जब वो बच्चा श्रीमत की बरखिलाफी छोड़ देगा तो माया बुद्धि से सरेंडर हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर को भी माया लगती है? सूक्ष्म शरीर को तो माया नहीं लगती। सूक्ष्म शरीर को माया नहीं लगती?
सूक्ष्म शरीर है, माया भी बनाता है शरीरधारियों को। जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, वो स्थूल शरीरधारियों को माया भी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। हाँ जी, कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा भिखारी हो, बाबा तो उस बच्चे को देवता के रूप में ही देखता है। तो फिर सब बच्चों को, मतलब 500 करोड़ बच्चों को देवता के रूप में देखता है? नहीं नहीं, जो बाप को पहचान, हाँ, जो बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं, तो फिर पहचानने की जिनमें शिफ्ट है, उन बच्चों को बाप लास्ट रूप में देखता है, उनके आदि स्वरूप को देखता है, मध्य में जो परिवर्तन होने वाला रूप है उसको नहीं देखता। तो फिर कैसे कहेंगे भाई सब दुर्योधन दुशासन है? भाई सब दुर्योधन दुशासन है, कैसे? हाँ, कैसे कहेंगे? माना भाई सब दुर्योधन दुशासन है तो है नहीं, मतलब राम और कृष्ण को तो बख्श सकते हैं ना? क्यों? प्यार दिया तो बाप को पहचाना, मतलब या बाप बन करके बैठा? अरे बाप बन के बैठा तो देवान आया कि नहीं? है पांडवों को ही दिखाते ना स्वर्ग का आधार है। हाँ, द्रौपदी को तो नहीं दिखाया। हाँ जी, हाँ। और एक बात, इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज नहीं सिवाय शिव बाबा के। अरे एक बात तो हल हो जाने दो, तो आगे बढ़ो, कोई अड़चन आ गई क्या? अच्छा, अड़चन वाली बात को छोड़ दो। हाँ, क्या कह रहे? वही कैसे कह रहे आप भाई सब हाँ, पुरुष प्रकृति जो होती है वो द्वापर कलयुग में आतताई होती है। क्या? प्रभुता पाहि काहि मदनाहि। पुरुष जो होता है, पुरुष माना कठोर, कठोरता पुरुष शरीर में होती है या स्त्री चोले में होती है? बोलो। पुरुष चोले में कठोरता होती है, ज्यादा ताकत होती है, तो जाकी लाठी ताकी भैंस, ये रावण राज्य का नियम है। बाहुबल के आधार पर कंट्रोल करना, ये राम राज्य का नियम नहीं है। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा। रावण के जितने भी चेहरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पुरुष रूप में दिखाए हैं या स्त्री रूप में? क्यों? जिसको कुर्सी मिल जाती है ना, वो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग जरूर करता है। ये खास द्वापर कलयुग रावण राज्य की बात है। हाँ जी बाबा, बाबा ये पुरुष स्वभाव वाले कठोर रहते, उनके आपने बताए हैं पुरुष स्वभाव वाले कठोर रहते, पहलवान रहते हैं। हाँ, कोई कठोर पहलवान। हाँ बाबा, आप तो पुरुष है ना? हाँ, आप में कठोर नहीं दिखता है? कठोर नहीं दिखता है? और जिसके सर के ऊपर डंडा बजता है उससे पूछो। है? आपको स्थिति है क्या नहीं, क्या देगी ये आदमी? जब तुम्हारे ऊपर बीतती नहीं है तो तुमको क्या पता? है? आपका आपके अंदर तो कठोर एक पैसा भी नहीं है बाबा। है? आप कह रहे हैं नहीं, वो कठोर बना दिखाता है। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता, ये आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी कन्या सरेंडर है? नहीं नहीं, जितने भी आत्मा नहीं, नहीं नहीं, क्यों वो तो है ना, पहले उससे पूछो। यहाँ पे इतने आत्मा है, आपको कोई कठोर बोल दे क्या? ये आत्माओं की बात नहीं, अभी
नहीं आप तो मधुरता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये वो हो नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो। उनका हिसाब किताब है बेटी का, आपका हिसाब क्या होगा? बेटी का और आपका हिसाब तीसरे जन्म में हिसाब होगा। जो जिसके नजदीक रहता है वो उसको ज्यादा पहचानता है, या जो दूर रहता है वो ज्यादा पहचानता है? दूर वाले तो बुद्धि से पहचानते हैं। और यहाँ तो बाबा ने बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। बाप के अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। ये बात आपकी बात को काट देती है। आगे आपको डंडा मारेंगे क्या बाबा? है आपको डंडा मारेंगे? और डंडे तो अभी भी लग रहे हैं, लेकिन मोटी चमड़ी वाले को पता नहीं लगता। हमको डंडा अच्छा लगता है। हाँ बोलो बाबा। सदा कायम एक शिव बाबा बोला है, सदा कायम जगदम्बा तो नहीं बोला, लक्ष्मी भी नहीं बोला ना। हाँ? तो फिर वो पुरुष टोला है ना, सदा कायम शिव बाबा बोले तो। हाँ? तो फिर ये तो बाबा तो उसी का विषय नहीं करते तो है। सदा कायम शिव बाबा है वो संगम युग के लिए बोला है या 5000 वर्ष के ब्राड ड्रामा के लिए बोला है? जवाब दो पहले। सदा कायम शिव बाबा है जिसको शिव बाबा कहा जाता है। शिव माने बिंदी और बाबा माने साकार, जो भी साकार चूला हो दोनों का मेल शिव बाबा। वो शिव बाबा सिर्फ संगम युग की बात है या ब्राड ड्रामा की बात है? संगम युग की बात। तो संगम युग में शिव बाबा स्त्री चोला धारण नहीं करता। शिव तो 100 साल के लिए आएगा ना, 5000 वर्ष तो शरीर दायी रहेगा ना। 5000 वर्ष की तो बात ही नहीं है शिव बाबा के लिए। इस सृष्टि पर जिस सृष्टि की बात कर रहे हैं वो सृष्टि संगम युगी शूटिंग काल की बात बताई है या 5000 वर्ष के ब्राड ड्रामा की बात बताई? शूटिंग पीरियड में शिव बाबा है, तो शूटिंग पीरियड में सदा काल कायम एक शिव बाबा ही है। बाकी कहे जगदम्बा है या कोई और है ये नहीं कहा जा सकता। और तो नहीं बोला कि असुदेव बाप के साथ आता है। त्रिमूर्ति के लिए बोला है कि तीन मूर्तियों के साथ बाप आते हैं, अकेले नहीं आते। ऐसे कहीं नहीं बोला कि आठ देवताओं के साथ बाप आते हैं। प्रत्यक्ष होते हैं तब भी नहीं बाप, आठ देवताओं के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। खुदा के तख्त को आज फरिश्ते ने उठाया। उठाया का मतलब संसार में प्रत्यक्ष किया। जितना आठ ने प्रत्यक्ष किया उतना और कोई ने भी इतना प्रत्यक्ष नहीं किया। तख्त माना शरीर। और जहाँ 9 लाख की गिनती की जाती है वहाँ 16108 उनकी गिनती नहीं है। कहने में आता है 9 लाख आबादी होगी, क्या 16108 भी होंगे, लेकिन उनमें बहुत सी आत्माएं ऐसी भी होंगी जो वापस जाने वाली होगी। क्या और हाँ जी तो ये वहाँ उनके अधिकार पर क्या
हाँ जी हाँ जी, जो यहाँ हमारे ऊपर अधिकार चलावेंगे आगे आने वाले जन्मों में, उनको हमारे अंडर में चलना पड़ेगा। जो शूटिंग करते हैं का मतलब क्या, शूटिंग का अर्थ क्या, कि जो यहाँ जलेबी खाते हैं, लड्डू पेड़े खाते हैं, 36 प्रकार के भोजन करते हैं, वो वहां भी 36 प्रकार के भोजन करेंगे। ये थे यहाँ जो त्याग तपस्या करेंगे वो वहां प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। विश्व कल्याण के लिए जो त्याग करते हैं वो प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं, और जो यहाँ अपने लिए दूसरों से राजाई खींचते हैं, अपने लिए कंट्रोल खींचते हैं, कंट्रोलिंग पावर खींच करके रखते हैं, उनको वहां कंट्रोल रहना, कंट्रोल होना पड़ेगा। और हाँ जी, कहा जाता है ना सब सब पुरुष दुशासन बाबा जी के पुरुष चुना होते हुए भी स्त्री स्वभाव के रहते हैं, और स्त्री चुना होते हुए भी पुरुष स्वभाव वाले होते हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि सब जो पुरुष है वो दुर्योधन आपका पुरुष है, क्योंकि स्त्री ने भी पुरुष स्वभाव वाले होते। बाबा ने एक जनरल बात बताई है या स्पेशल बात बताई है, सर्व सामान्य बात बताई है या स्पेशल बात बताइए, क्या समझा है, सर्व सामान्य बात बताइए। और हाँ आदि में छोटी कंपनी महात्मा को जन्म नहीं दिया है, है? किसको जन्म नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया है ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा की बात ही नहीं है। और कैसा, ये तो एडवांस की बात है कि छोटी मम्मी जो है वो एडवांस में जो आने वाली आत्माएं हैं उनमें से कोई मुखिया होगा उसको ज्ञान दिया होगा। माना राधा पहले और कृष्ण बाद में दिखाते हैं, राधा का जन्म पहले, राधा बड़ी और कृष्ण छोटा दिखाई दिया। हाँ, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं अब दूसरों की बनी विद्याएं और कमियां दिखाई देते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले को दूसरे की कमियां नहीं दिखाई देती, जब देवान में आते हैं तो दूसरों की कमियां देखते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाला जो स्वयं स्थिति में है वो सुख देने वाला होगा या दुख देने वाला होगा, स्वयं स्थिति से स्वर्ग और परिस्थिति से नरक बनता है। पर है शरीर, देह, देह के भान में रहने से दुख पैदा होता है। और है हाँ जी, हाँ जी, ये भी तो हो सकता है कि हमने पूर्व जन्म में उसका पैसा लिया हो और उसने हमसे, हमने उसे न दिया हो और इस जन्म में वो हिसाब किताब पूरा हो गया, हमने जो उसे दुख दिया वो दुख का लेन देन का हिसाब किताब उस आत्मा ने पूरा कर लिया। दोनों ही बातें हो सकती है। और आदि में
संतु का एक छोटा सा सैंपल तैयार हुआ। हाँ जी, तो फिर अंत में ट्रिब्यूनल बैठेगी। हाँ, तो इसका भी कुछ सैंपल तैयार हुआ है क्या? हैं, अभी मेरे साथ तैयार हुआ है क्या? कहाँ? एक क्या आदि है जो हिसाब किताब पूरा करने वाला धर्मराज है वो लास्ट में अपना फैसला सुनावेगा या आज में ही फैसला सुनावेगा? एक बार, 63 जन्मों में हमने ज्यादा पाप किए हैं या अंतिम 84वें जन्म में जब ज्ञान में आते हैं तो ज्यादा पाप के भागीदार बनते हैं? ज्यादा पाप के भागीदार कहाँ बनते हैं? ज्ञान में आने के बाद 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो धर्मराज की सजा अंत में मिलनी चाहिए या आज में मिलनी चाहिए? धर्मराज आज में प्रत्यक्ष होना चाहिए या अंत में प्रत्यक्ष होना चाहिए? और धर्मराज के लिए तो बोल दिया है, अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? मैंने इशारा दे दिया कि चीफ जस्टिस जब अपनी कुर्सी पर बैठेगा उस समय धड़ाधड़ फरिश्ताई स्टेज बनना शुरू हो जाएगी। बाबा, चीफ जस्टिस का पार्ट किन का होगा? लक्ष्मी का होगा या जगदम्बा? जो धारणाओं में तीखा होगा। जगदम्बा सहन शक्ति में तीखी है? पार्ट आत्मा बजाती है या शरीर बजाता है? डब्बा पार्ट बजाता है या आत्मा पार्ट बजाती है? तो माँ के रूप में असली पार्ट धारी कौन है? हैं? कभी कहते जगदम्बा, कभी कहते ब्रह्मा बाबा। है? कौन भले नहीं है फिर भी पूछा तो जाएगा, सर्व गुणों का राजा कौन सा गुण? सहन शक्ति। और वो सहन शक्ति का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया या जगदम्बा ने बजाया? सब क्या कहेंगे? वो मुख से नहीं बोल रहा है, गले नहीं उतर रही है। ब्रह्मा बाबा ने बजाया। तो जिसने सहन शक्ति के पार्ट को सबसे आगे बढ़कर के बजाया वो तो पास हो गया। क्या गुणराज हो गया? अभी भी जो वाणी चला रहा है, दिव्य गुणों की वाणी, जो अव्यक्त वाणी चल रही है, वो चलाने वाली कौन सी आत्मा साबित हो रही है? जगदम्बा की या ब्रह्मा की? ब्रह्मा बाबा। ज्ञान की वाणी तो नहीं है। ज्ञान की वाणी बाप चलाता है और धारणा की वाणी देवता बनने वाली आत्मा चलाती है। पहला पहला देवता बनने वाला कौन? कृष्ण बच्चे। तो जो धारणा में आगे उसी को धर्मराज बनने का हक है। किसी के द्वारा बनेगा वो तो ठीक है, वो तो बोल दिया, वो बोल दिया, वो भी तो बता दिया कि रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? तुम सब रूहानी मिलिट्री हो। कौन? जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे हैं वो कौन सी मिलिट्री है? रूहानी मिलिट्री है। रूहानी मिलिट्री में अगर कोई ऊपर नीचे काम करता है डायरेक्शन के बर खिलाफ तो मार्शल ला में निमित्त कौन हुआ दंड देने का? है जो मुखिया है, मार्शल है, वो कहा जाता है। लेकिन उसमें काम करने वाली पावर कौन सी है वो कोई जानेगा? कोई कोई नहीं जानेगा। ऐसे तो बाबा ने बताया है कि बाप सुख का सागर है या मार का सागर? सुख का सागर। भक्त लोग कह देते हैं दुख भी तू ही देता है
सुख भी तू ही देता है, क्योंकि वो तो जानते नहीं है। और हम बच्चे तो जानते हैं ना कि जिसने ब्राह्मणों की दुनिया में अथासन शक्ति धारण करके सुख दिया है और बच्चों ने बदले में उसको नंबरवार दुख दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया, दिया है। कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया दुख? दिया, दिया। तो हिसाब किताब कब पूरा होगा? इसी जन्म। अरे पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे हिसाब किताब इसी जन्म में पूरा होना है और 100 गुना होकर के पूरा होना है। बाबा, सब में नंबर वन शिव प्रवेश होगा है, मुरली में लिखा हुआ है, सब में नंबर वन शिव प्रवेश होगा, सब आत्माओं में नंबर वन शिव प्रवेश होगा। आत्माओं में शिव प्रवेश करता है? नंबर वन आत्माओं में, माने 500 करोड़ आत्माओं में शिव प्रवेश करता है, 108 आत्माओं में शिव प्रवेश करता है। लेकिन कोई कह थोड़े ही सकता है मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है? नहीं सकता, कह नहीं सकता, लेकिन प्रवेश तो होगा ना बाबा। कैसे पता चलेगा किसमें प्रवेश हुआ किसमें नहीं? तो प्रवेश करना न करना बराबर हो गया। हम किसकी मत पर चले, किसको मान लें? जो मुकर रहे ना, हम किसको मान लें कि ये शिव बाबा है? 108 में से कोई को मान लिया जाए? मान सकते हैं? नहीं मान सकते तो बेकार बात हो गई ना। उस प्रवेश करने का मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि जो समझाने वाला है वो बुद्धू है और समझने वाला शूट बुद्धि है। तो जो समझाने वाला है वो हिम्मत करता है, तो बाप मदद देने के लिए हिम्मत करने वाले बच्चों को मदद देने के लिए बांधा हुआ है, इसलिए वो प्रवेश कर जाता है। दृष्टि की पावर देता है, वाचा की पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है और आत्मा को उठा लेता है। बच्चों में अहंकार आ जाता है कि हमने सेवा की। जब धर्मराज बन जाता है तब भी वो गुण होना चाहिए ना? कौन बन जाता है धर्मराज? जो भी निमित्त बना है वो धर्मराज है? नहीं नहीं, सहनशील। लो आओ आओ, तुम अभी भक्त में भक्ति मार्ग चला रहे? नहीं बाबा, जो सहनशील का पाठ बजाए वही धर्मराज बनेगा। हाँ, ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज बनती है। तो फिर तब भी उनमें वो गुण होना चाहिए ना? है सहनशील का गुण? कौन सा गुण? जो सहनशील। नहीं, आत्मा की एक सत्व प्रधान स्टेज होती है और एक क्या होती है? तमो प्रधान स्टेज। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में होती है। संगम युग में सत्व प्रधान पार्ट भी बजाती है आत्मा और संगम युग में तमो प्रधान पार्ट भी बजाती है। जब सत्व प्रधान पार्ट बजाती है तो राम और कृष्ण है और जब तमो प्रधान पार्ट बजाती है तो रावण और कंस बन जाती है। बच्चे तुम्हारा बाबा एनएस में रहने वालों का विशेषता क्या है? एनएस में रहने वालों का विशेषता नष्टो हुआ है स्मृति लब्धा। एनएस में आने जाने के लिए क्या प्रसाद करना? मोटर कार खरीदो और जाओ। पता नहीं था बाबा, लाल भी नहीं जाते हैं। और दुनिया में पता लगाने से भगवान भी मिल जाता है। तो मनुष्यों को पता लगाना बड़ी बात है क्या? नहीं, आने जाने की बात ये नहीं बताई, ये बताई कि एनएस में रहने वाले या आने जाने वाले हैं उनकी खास विशेषता क्या है? कोई चुनाव होता है तो कुछ तो विशेषता देखी जाती है ना। हमारा जो ज्ञान है इसकी जो फाइनल परीक्षा है उस फाइनल परीक्षा का ही मुख्य परीक्षा क्या है? है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और वो परीक्षा के नंबर आउट होना शुरू हुए या नहीं हुए?
अरे बोलो ना, क्या हो गया ना बाबा? आउट हो गए ना अष्टदेव? आउट हो गए नहीं, अभी बोला है दो लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। माने अष्टदेवों में से जो मुख्य दो हैं वो प्रत्यक्ष हुए हैं, लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। जो बाकी छह हैं उसमें कोई का भी नंबर आ सकता है। तो जो भी रिजल्ट आउट हो रहा है इसका मतलब परीक्षा भी चल रही है ना, नंबर वार। तो जो परीक्षा हो रही है वो मुख्य परीक्षा कौन सी है? सब की है, कोई एक दो या आठ या सौ की है सो नहीं। क्या परीक्षा है? है क्यों खुजली होने लगी? क्या हुआ बताओ तो मुझसे बोलो ना। जहां तक नष्ट मोह बने उसकी परीक्षा होगी। हाँ जी, तो मुख्य गुण हुआ नष्ट मोह स्मृति लब्ध। अब वो 100% है या नहीं है वो एक अलग बात। नंबर वार होंगे, प्रजा वर्ग के होंगे तो वैसा गुण होगा। जो पहले जन्म की प्रजा होती है और बाद वाले जन्मों की जो प्रजा होगी उनकी कोई खासियत खसूसियत होगी या नहीं होगी? उनकी भी कोई खसूसियत है, खासियत है। सौ परसेंट पतित को सौ परसेंट पावन बनाता हूँ। तो फिर लक्ष्मी का 100% पतित बनती है ना, तो फिर 100% पावन कैसे बनती? ये कैसे कह दिया पतित नहीं बनती है? बाबा तो सबसे ज्यादा पतित कौन से अंग से बनते हैं? सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अंग कौन सा है? हर ब्रह्मा कुमारियां दृष्टि देती है या नहीं देती है? संघ का रंग उनको लगता है या नहीं लगता है? ये कैसे कह दिया? हाँ जी, विजय माता उनसे बनती है। हैं? विजय माता तो उनसे ही बनती है। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? तो कैसे विजय माला जो है वो चंद्रवंशियों से ही बनेगी, इस्लामी बौद्ध वंशियों से तो बनने वाली नहीं। जो चंद्रमा को फॉलो करने वाले होंगे उन्हीं से ही विजय माला बनेगी। बेसिक नॉलेज में है तो सब धर्म के आधार मूर्त, लेकिन विजय माला में आने वाले वही होंगे जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे। जो दूसरे दूसरे धर्म के छिलका वाली आत्माएं होंगी वो पुण्यात्माएं होंगी या पापात्मा होंगी? है पापात्मा होंगी। जो नई दुनिया बनेगी वो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से बनेगी या जिनमें दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके समाये हुए हैं उनसे बनेगी? हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से बनेगी। हाँ, बाप के सन्मुख रहते हुए भी बाप को पहचान नहीं पाते। सन्मुख की बात छोड़ो, साथ में रहने वाले, साथ में सोने वाले, साथ में खाने वाले, साथ में खेलने वाले, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। पता लगाने से कैसे भगवान बन जाएगा? हैं? पता लगाने से भगवान कैसे मिल जाएगा बाबा? पता लगाने से भगवान कैसे मिल जाएगा? मतलब ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है ऐसा कुछ? ये थोड़े ही बताया हमने, ये बताया भगवान भी ढूंढने से मिल जाता है। तुम तो बात तुरंत की तुरंत उल्टी समझ रहे हो, कैसे काम चलेगा? है ऐसी बुद्धि क्यों बन रही भाई? ये बताया कि भगवान भी ढूंढने से मिल जाता है, तो मनुष्यों का अगर कोई संगठन है तो वो ढूंढने से नहीं मिलेगा? है? वो मिल जाएगा। जिसको जिसकी चाह होती है उसको वो राह मिल जाती है।